दोबारा से गाने को सुनने का एंड उसको अपने कैमरे में यू नो कैप्चर करने का. सो थैंकिंग एवरीबडी एंड आई नो यू ऑल हैव लाइक दिस सॉन्ग और आप और शेयर करिए इसके बारे में बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल पेपी नंबर. तक तक की टू लिसन एंड उसके साथ भंगड़ा डालना शुरू वाई बाय वाई बाय. थैंक यू सो मच. पहले तो मैंने ये गाना खुद लिखा है. मौज मस्ती का गाना है. लाइफ में सीरियसनेस बहुत है तो ऐसा लगा कि लोगों को थोड़ा सा नचाऊं वाइब हाई कराऊं. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट अबाउट. और शादी का इसलिए है क्योंकि हर शादी में एक पंजाबी गाना तो बनता है. सो आई थिंक दिस इज़ वन सॉन्ग. इतना पेपी इतना प्यारा गाना है. शिवराम सर ने इतना प्यारा म्यूज़िक दिया है उसमें और इतना अच्छी तरह निकला ये गाना. सो हर पार्टी में शादी में तो बचेगा. इट मेक्स यू फील सो गुड सो पैपी सो नाइस. तो चाहे आप शादी में बजाइए चाहे आप पार्टी में बजाइए चाहे आप अपनी गाड़ी में बजाइए. सो जस्ट वाइब हाय आई हैव एंड हैव फन विद इट. सो इट्स माई ओन लेबल विच आई हैव लॉन्च्ड. रीज़न बीइंग के मुझे लगता है कि जब एक सिंगर जैसे मैं हूँ या कोई भी हो एक म्यूज़िक लेबल के पास जाता है तो इट्स नॉट ईजी. इतना टैलेंट है हमारे पास. मैंने कहा ये आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस समथिंग विच इज़ अ ईजी प्लेटफॉर्म. इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में कि यू कैन जस्ट मेल मी यूनिकॉर्न म्यूजिक रिकॉर्ड्स एंड वी विल कनेक्ट विद यू. इट्स नॉट ईजी टू कनेक्ट विद लेबल्स नाउडेज एंड आई वॉन्टेड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म. नॉट ओनली आई थिंक सिंगर्स बट ये एक पूरी टीम होती है मुझे मेरे हिसाब से एक्टर की कोरियोग्राफर की डायरेक्टर की डी ओ पी की जो भी है ये सब मिला के गाना बनता है वीडियो बनता है. रिटेन तो मैंने रिटेन किया है. कंपोजिशन वेरी पेपी है और डांस नंबर है. मैंने इनको बहुत तंग किया है. यस 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 बहुत तंग किया है. तीन बार चेंज हुआ है. कोविड में भी हम लोग बैठते नहीं थे. हम लोग काम कर रहे थे गाने के पीछे. ये गाना तीन बार बना हुआ है. पहले हमने इसको इंडियन कलर में रखा था. फिर हमने सोचा कि ट्रेडिशन चेंज हो रहा है स्टाइल चेंज हो रहा है इंटरनेशनल बीट्स पे जा रहे हैं हम लोग आजकल राइट. तो हमने कुछ इंटरनेशनल बीट्स ट्राई किए इसमें लेकिन साथ में हमने पंजाबी फ्लेवर भी रखा है गाने का. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. गाने में आपको एक इंटरनेशनल बीट्स भी मिलेगी और साथ में इंडियन भी मिलेगा. शब्द बहुत अच्छे हैं. पंजाबी फोक भी है इसमें. इसमें रैप भी है. सो हर चीज़ को हमने कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया है बैलेंस तरीके से. और तक तक नहीं ये वर्ड अलग है. आपने सुना नहीं होगा मेरे हिसाब से. तक तक नहीं मतलब नज़र. तो पहली नज़र में जिसे प्यार हो जाता है उसको तक तक नहीं कहते हैं. सो आई रियली वांटेड टू या आई रियली वांटेड टू यूज़ दिस वर्ड पंजाबी वर्ड. मेरे को पूजा का फ़ोन आया गाना मुझे भेजा. मैंने गाना सुना तो मुझे गाना इमीजिएटली पसंद आ गया. मैंने कहा पंजाबी तो पंजाबी पैपी सॉन्ग है. आप कोई भी शादी ले लो अगर उसमें पंजाबी सॉन्ग नहीं तो मज़ा नहीं आता. और पंजाबी भी वैसा वाला है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं. इस सॉन्ग में कुछ पावर है. मतलब पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी गाने को. वेडिंग में बजेगा. डीजे आप अपनी गाड़ी में भी सुन सकते हो. आप क्लब में भी सुन सकते हो. गाना उस हिसाब से अच्छा बनाया. प्रोजेक्ट पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा पूजा मैम और शिवराम सर को. और शिवराम सर के थ्रू से ही मिला था मैं ये गाने के लिए. तो मेरा जोन का नहीं था ये रैप बट मेरा एट्रीब्यूट्स को ये भाग गया. मतलब कि अच्छा लगा मुझे करने में. अच्छा लगा. Hani performed very well. He sung very well. मैं justification करने की बहुत कोशिश की. I think सबको पसंद आए और बहुत मजा आ रहा है. और मैं खुद थोड़ा बहुत act भी किया हूँ गाने पे. Sir, yes. You're working in Baap and big project. तो क्या करना चाहेंगे? What's the project all about? और इतने सारे stars हैं. कितना बड़ा मौका मांगते हैं? तीसरी अहमद खान की फिल्म में जो चार स्टार को साथ में लेके आ रहे हैं सनी देओल संजय दत्त जैकी श्रॉफ मिथुन दा चारों को साथ में लाके एकदम एक कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं. तो मेरा जो रोल था वो जैकी श्रॉफ की बहन के लाइक बॉयफ्रेंड का रोल. काफ़ी जैकी के साथ में सारा काम मेरा हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है साथ में काम करना.
हमें लगता बड़े स्टार के साथ काम करोगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती, बट वो इतना आपको लिबर्टी देते काम करने में कि आप यू नो अच्छा लगता साथ में काम करने। वो जो एज आई टोल्ड अर्लियर कि वो फ्रेम ऑफ माइंड होता है इंसान का, वो टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो फ्रेम, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं इस बारे में, बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद हर। अभी समवेयर हेल्स I don't want to comment on that. Ma'am, something about the project you have done earlier and what are you planning to do in the future? So I have recorded another song. The name is Dilbara. It's going to shoot very soon. It's a nice Hindi song and duet. And it was ho gaya. And it's beautiful. Hindi mein hai, maine khud likha hai. Pyara gana hai. Jald aap sunenge. Uski vibe bahut achhi, bahut pyari hai. Sir, you have done rap. Rap culture itna zyada grow kar raha hai, na celebrity status jo mil raha hai. Correct. Many successful people. You kitni achhi baat hai ki people from very average background becoming rapper and getting pretty so much success. तो रैप कल्चर ही मतलब अभी कुछ 5-6 साल से इतना ट्रेंड पे आ गया है कि मतलब कुछ लोग होते गा नहीं सकते बट रैप कर सकते, क्योंकि अपना खुद का बयां कर सकते हो लिख के, क्योंकि सुर में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट रैप में यू कैन लाइक क्लियरली बोल सकते हो कि क्या बोलना चाहते हो, थोड़ी हटके में ट्रेंड में चल रहा है और जनरेशन आज का जो यूथ जनरेशन है बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हम लोग भी सोचे कि इस पर रैप करके और इंडो फ्यूजन मिक्स करके करें। वी आर प्लानिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द काइंड ऑफ म्यूजिक वी रिकमेंड टुडेस टाइम में, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जिस इन्होंने बात की अभी रैप की, हर चीज़ जब नहीं आती ना तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, राइट। रैप आने से मेलोडी थोड़ी कम हो गई, पहले के जितने गाने जितने मेलोडियस थे वो कम हो गए, लेकिन हमें ट्रेंड के साथ चलना है, सो रैप को भी साथ में रख के, अगर मेलोडी को साथ में रख के अगर आप गाने को लेकर आओगे तो डेफिनेटली आपका गाना सबको पसंद आएगा। सिर्फ रैप के ऊपर जाओगे आप या सिर्फ मेडली के ऊपर जाओगे मेलोडी के ऊपर, तो दोनों में आप गाने को जस्टिस नहीं दे पाओगे, क्योंकि आजकल का यूथ है वो काफ़ी वेस्टर्न म्यूज़िक की ओर जा रहा है, इंटरनेशनल बीट सबको चाहिए, तो उसके साथ अगर आप थोड़ा रैप को जोड़ दोगे आपको मेलोडी के साथ, मतलब इंडियन कल्चर भी रहे और वेस्टर्न कल्चर भी रहे, रोटी भी रहे और ऊपर पिज़्ज़ा का सामान भी रहे तो मज़ा आता है खाने के, राइट। तो इस तरह से अगर हम म्यूज़िक को आगे देखें तो हमारा म्यूज़िक भी बचा रहेगा और वेस्टर्न म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। I have done a little acting here and there, yes, but my main focus is singing. पर अगर कुछ मौका मुझे ऑफर हो रहे हैं एक दो जो मैं बताऊंगी नहीं, बट हाँ जैसे ही साइन होगा मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोग। और यूनिकॉर्न की अगर बात करें, ये म्यूज़िक लेबल है जो इन्होंने बात की सबसे पहले कि आज जब तक अपना टैलेंट आप खुद नहीं बताओगे बाहर तब तक कोई सुनेगा नहीं जी। इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री में जमे हुए हैं और इतना टैलेंट है कि आज किस टैलेंट को बाहर लाऊं वो सोचने में वो उतना व्यस्त है कि कई बार टैलेंट दब जाता है। सो अगर आप खुद कोशिश करोगे, और आजकल मीडिया इतना इजी अवेलेबल है सोशल मीडिया से लेकर कुछ भी, तो वहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हो, एक प्लेटफॉर्म तो, एक प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, तो हर आदमी अगर खुद ट्राई करेगा कि चलो मैं कुछ बनाऊँ और अपने हिसाब से उसको डालूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई यूनिकॉर्न म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं यूनिकॉर्न के साथ। थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म बहुत इजीली अवेलेबल है, आप मेरे साथ कनेक्ट करें, अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है तो जस्ट कनेक्ट विद मी, दैट्स इट। के मर गई तक तकनी, के मर गई तक तकनी, के मर गई तक तकनी। थैंक यू।